ठंड, सड़क पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को अब परेशान नहीं होना पड़ेगा क्योंकि यूपी सरकार ने ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को एसी हेलमेट पहना दिया है। कैसा है ये एसी हेलमेट और कैसे करता है काम, आइए देखते हैं रिपोर्ट। एसी वाला हेलमेट, जी हाँ, अगर आप बाइक चलाते हैं तो सोचिए अगर एसी वाला हेलमेट आपके पास हो तो भीषण गर्मी में आपको कितनी राहत मिलेगी। यूपी पुलिस ने अपने ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को एसी वाला हेलमेट देकर उन्हें चिलचिलाती धूप और कड़कती ठंड से बचने के लिए बेहतरीन तरीका अपनाया है। लखनऊ में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत की, ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को एसी वाला हेलमेट पहनाया। भीषण गर्मी होती है, लू चल्ला होता है, तब ट्रैफिक पुलिस चौराहे पर खड़ी होकर के लोगों को यातायात की बेहतर सुविधा प्रदान करती है और बेहतर सुविधा के साथ उन्हें बहुत बार हम देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस के जवान यातायात को सुव्यवस्थित करते करते वहीं पे बेहोश हो जाते थे, किसी के साथ कैजुअल्टी हो जाती है। यह एयर कंडीशन जो हेलमेट है यह उसकी कुछ हद तक मदद करने में सहभागी बनेगा। कानपुर पुलिस का यह अभिनव प्रयास एक सराहनीय प्रयास है। मैं इसके लिए यूपी पुलिस को और कानपुर कमिश्नरेट को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। ये हेलमेट विशेष रूप से गर्मी और धूप से सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इन हेलमेट्स में कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है जिससे पुलिसकर्मी लंबे समय तक आरामदायक स्थिति में काम कर सकेंगे। इस हेलमेट में जहां एक मोटर लगी है वहीं सिर के पास पंखा है, आंखों के पास एक ट्रांसपेरेंट कवर है। गर्मी में अपना कार्य करते हैं तो उनको देखते हुए, उनकी कठिनाइयां को देखते हुए हम लोगों ने ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको शुरू किया। सीएसआर के माध्यम से हमें एक कंपनी ने ये एसी हेलमेट दिया जिसे हैदराबाद की कंपनी ने बनाया। बेसिकली इसमें टेक्नोलॉजी अगर आप यहाँ पे दिखाएंगे, ये बैटरी है इसका, अगर इसको एक बार फुल चार्ज करते हैं तो 8 घंटा इसका बैकअप है और इसको ऑन करने के लिए सीधे आपने ये ऑन कर दिया, इसमें से आपको ये हवा आने लगी तो ये गर्मी में भी काम करेगा। ठंड में इसमें हीटिंग टेक्नोलॉजी भी है, इसको थोड़ी देर तक प्रेस करेंगे तो ये बटन ऑन हो गया, इसमें से गर्म हवा आने लगती है। तो ये बेसिकली ये टेक्नोलॉजी बनाई गई है। इस खास हेलमेट का निर्माण हैदराबाद की एक कंपनी ने किया है। एक हेलमेट की कीमत करीब 12 से 16 हजार रुपए बताई जा रही है। इसमें लगी बैटरी एक बार चार्ज करने पर करीब 8 घंटे तक चलती है। इस बैटरी को कैसे चार्ज करेंगे उसके पर? इसके लिए चार्जर अडाप्टर है, सिंपल एक एक बार कितनी देर चार्ज करने में कितनी देर एक चलता बार है? अगर फुल चार्ज कर लेते हैं तो 8 घंटे चलता है। तो ये मान के चले कि जो ड्यूटी टाइमिंग्स है उस दौरान ये पूरा काम करेगा? बिल्कुल बिल्कुल ये काम करेगा। तो यहाँ क्या आपने उस कंपनी को कैसे अप्रोच किया कुछ? अगर बेसिकली ये कंपनी को मतलब जो गर्मी अप्रोच कर रहा था तब हम लोगों ने डेमो के रूप में लगभग 5 से 7 हेलमेट मांगे थे। हमारे ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने उसे यूज़ किया, उनका संतोषजनक रिस्पॉन्स रहा फीडबैक। आपको बता दें कि सबसे पहले कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में चौराहों पर ड्यूटी करने वाले ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को गर्मी से बचाने के लिए एसी हेलमेट पायलट प्रोजेक्ट के तहत दिया गया था। इसके बाद लखनऊ में इसका ट्रायल किया गया और अब इसे ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को सौंप दिया गया है। कानपुर पुलिस की एक नई पहल थी जो आज जमीन पर देखने को मिल रही है, वो संवेदनशील होंगे जनता के प्रति और खुद वो सुरक्षित भी रहेंगे। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज 18 लखनऊ। क्या आपने कभी किसी ढक्कन को डांस करते हुए देखा है? कानपुर में ये नजारा दिखा, यहां एक ढक्कन डांस करता हुआ नजर आया, लोग हैरान रह गए। देखिए, उत्तर प्रदेश के कानपुर में बारिश के बाद अजब नजारा देखने को मिला। यहां पर सीवर का एक ढक्कन डांस करता हुआ दिखाई दिया, इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। सीवर के ढक्कन को नाश्ता देखकर आसपास से गुजर रहे वाहन चालक भी सहम गए और वाहनों का आवागमन भी रुक गया। कानपुर में पिछले 2 दिनों में खूब बारिश हुई, इससे कई स्थानों पर जल जमाव की स्थिति भी बनी हुई है। कई स्थानों पर सीवर ओवरफ्लो होकर बहते भी देखे गए। इस बीच कचहरी के पास स्थित सीवर के ढक्कन का अपने आप उछलना लोगों में कौतूहल का कारण बन गया। कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाला तो तेजी से वायरल हो गया। वहीं इस बारे में जानकारों का कहना है कि सीवर के ढक्कन के इस तरह से उछलने के पीछे सीवर के अंदर काफी मात्रा में गैस भी बनती रहती है। जब बारिश में सीवर का पानी अचानक ऊपर की ओर आने लगता है तो सबसे पहले यही गैस ऊपर आती है। इस गैस के कारण ही ढक्कन कई बार पूरी तरह से खुल जाते हैं और कई बार गैस का प्रेशर कम होने के कारण उछलते रहते हैं।
और इसी के साथ ही सुपर सिक्स में आज के लिए इतना ही।